क्या दोस्तों आपके ईमो में कालर टून नहीं लग रहा है? क्या दोस्तों आपके ईमो में कालर टून लगने का ऑप्शन जो शो नहीं हो रहा है? दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। सो गाइज, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं टेक्निकल लैंग्वेज। दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों रोज की तरह रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले करना क्या है आपको, आप अपना ईमो जो ऐप है उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह यहाँ पर खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अपने फ़ोटो पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों कॉल सेटिंग का, यहाँ पर कॉल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको कॉलर टून का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होगा दोस्तों। बहुत से लोग में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है उसको थोड़ा से यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पर स्क्रीन शॉट एक ले लेना है इसका, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए होम पर आ जाइए, फिर उसके बाद अपने फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिए नीचे सबसे नीचे क्लिक करना है, प्रक्रिया केंद्र यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ एक फीडबैक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक प्लस का आइकन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइल पर क्लिक कर देना है और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कमेंट करना है, लिखना है समस्या क्या है आपको, वो यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर आपको सिंपल यही लिखना है कि कलर टोन नॉट शो, बस इतना ही लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये 3 दिन के अंदर आपका जो समस्या है कलर टोन नहीं लग रही वो दोस्तों लगने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।